नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुनी चौहान और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम एक बार फिर से देश के कुछ खास मसलों पर बात करने के लिए हाजिर हैं। तो चलिए चलते हैं विस्तार में। किसका गुनाह, नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोषी करार दिए गए सुरेंद्र अकोली और मनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया है। नर पिशाच कांड में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचले अदालत का फैसला पलट दिया है। पंढेर बरी जरूर हो गया, लेकिन कोहली पर एक केस में फांसी बरकरार रहेगी। ये नर पिशाच बच्चों और लड़कियों की हत्या की गई थी। सुरेंद्र को 12 और मनिंदर को 2 मामले में फांसी की सजा को रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने सीधे तौर पर कोई सबूत और गवाह न होने के आधार पर इन दोनों को बरी किया है। दरअसल सुरेंद्र अकोली और मनिंदर सिंह पंढेर पर आए फैसले से सीबीआई खुश नहीं है और सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। कहा है कि जजमेंट का अध्ययन करने के बाद सीबीआई की लीगल विंग को इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की सिफारिश की जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। निठारी कांड, बेगुनाहों के खून से रंगी एक कोठी। 17 साल पहले दहल उठा था देश। 19 लड़कियों की हत्या कर खा गए थे पिशाच। नोएडा सेक्टर 31 के पास गांव निठारी की D5 नंबर की कोठी मनिंदर सिंह पंढेर ने 2005 में खरीदी थी। घर परिवार चंडीगढ़ में होने की वजह से नोएडा में रहने का ठिकाना बनाया था। नोएडा में ही उसकी कंपनी थी। पंडेर ने चंडीगढ़ में नौकरी कर चुके सुरेंद्र कोहली को नोएडा बुलाया था। सुरेंद्र खाना बनाने में एक्सपर्ट था। अधिकांश दिन पंडेर अक्सर टूर पर रहता था। कोठी में मालिक की तरह सुरेंद्र ही रहता था। सुरेंद्र सालों पिशाचिक कार्यों को अंजाम देता रहा। सुरेंद्र कोहली के साथ खूनी कोठी D5 के मालिक मनिंदर सिंह पंडेर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोहली पर आरोप है कि वो लड़कियों को लालच देकर कोठी में लाता था, फिर उनसे दुष्कर्म कर हत्या कर देता था। इसके बाद लाश के टुकड़े कर बाहर नाले में फेंक आता था। कहा तो ये भी जाता रहा है कि कोठी से मानव अंगों का व्यापार होता था। वो बच्चों को मार कर उनके अंग निकाल लेते थे। बहरहाल कोर्ट के फैसले पर तो सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन हाँ ये कहना लाजमी होगा कि आखिर किसी भी बड़े केस में राजनीतिक मंचों से गला फाड़ कर ये कहते जरूर सुन जाते हैं कि अपराधियों को कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए। फिर ऐसा क्या रहा कि इतने विभत्स कांड में सबूत तक नहीं जुटाए जा सके कि आरोपी बरी हो गए। बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं। ये अगर इसी जगह हमारी बच्ची थी तो मनिंदर ने मार डाली, तो मनिंदर को जज ने उसको बरी बता दिया। अगर इसी जगह जज का बच्चा मनिंदर काट डरता तो का मनिंदर का मतलब सजा नहीं देता, वो तुरंत फांसी लगा देता। हम गरीब हैं इसलिए हमारी बच्चे हमारे उसको फांसी नहीं लगाया, उसको पैसा मिल गया, बरी कर दिया हैं। अगर बड़े आदमी की होती तो कब की फांसी लग गई होती। गरीब की बच्ची थी इसलिए उसको बरी बता दिया। ये वो मुझे पंडेर और ये कोहली पकड़े गए हैं तो इन्होंने पंडेर ने कबूल ये किया है, कहता हम जो है फूल और खिलौनों के बहाने से बच्चे बुलाते थे, उसने खुद कबूल किया। और इनका जो वो क्या करते हैं वो बनाया है पुलिस वालों ने, इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो बनाई है, सीडी बनाई है। अब वो कहाँ रखी है, कहाँ दी, क्या नहीं, वो बीपी सिंह और कमल सिंह यादव और सीओ ये 3-4 ने वहीं पर मौके पे रिपोर्ट किया। मैं कह रहा हूँ मैं फिर वो छूट जाए लेकिन भगवान उनके साथ जो छोड़ रहा है और कहता कोई प्रूफ नहीं मिले,
उनके साथ सजा ऐसी भगवान दे। जब वो दोषी नहीं थे तो उसके घर में दुनिया भर कंकाल हड्डियाँ सर निकले, ये कहाँ गए, कहाँ से आए थे जी। अब दोषी नहीं है, जब पूरा पैसा पहुँच गया अच्छा सा तो अब दोषी नहीं है जी। भाई दोषी नहीं है तो पहले से क्यों रखा है? कोर्ट ने इस आधार पर किया बरी। हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कोई सबूत और गवाह नहीं होने के आधार पर दोषियों को बरी किया। रिम्पा हल्दर मर्डर केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा को बरकरार रखा था। इन्हीं सबूतों के आधार पर रिम्पा हल्दर मर्डर केस में दोनों को फांसी की सजा मिली थी। हाई कोर्ट में 134 कार्य दिवसों में अपील पर सुनवाई हुई। आरोपियों की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, सिर्फ परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया गया। आपको बता दें कि फिलहाल निठारी कांड एक बार फिर चर्चा में आ गया है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट निठारी कांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली को दोष मुक्त कर दिया। साथ ही नोएडा के जिस D5 कोठी में ये कांड हुआ था उसके मालिक मुनिंदर सिंह पंडेर को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है। दोनों को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। बता दें कि सुरेंद्र कोहली को 12 मामलों से बरी किया गया है। इन मामलों में उसे ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं मुनिंदर सिंह पंडेर को जिन दो मामलों में फांसी की सजा मिली थी उसे भी रद्द कर दिया गया है। दोनों आरोपियों ने CBI कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल निठारी कांड में CBI ने 16 मामले दर्ज किए थे। इनमें से सुरेंद्र कोहली को 14 मामलों में फांसी की सजा मिल चुकी है, जबकि मनिंदर सिंह पंडेर के खिलाफ 6 मामले दर्ज थे। इनमें से 3 मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई थी, 2 मामलों में वो पहले ही बरी हो गया था। हाई कोर्ट ने कोहली को 12 मामलों में बरी किया है, वहीं पंडेर को 2 मामलों में बरी किया गया है। हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कोई सबूत और गवाह न होने के आधार पर इन दोनों को बरी किया। दो जजमेंट्स आए हैं, दो अपील्स थी, यानी दो रेफरेंस थी, जिसमें फांसी हुई थी सेशंस कोर्ट से, सेशंस कोर्ट गाजियाबाद से। दोनों मुकदमों में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुनिंदर सिंह पंडेर को बरी कर दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया है। सुरेंद्र कोहली को भी, बाकी जितने भी अपीलें यहां पर थी सब में बरी कर दिया गया। कोहली में मेरे ख्याल से 14 के आसपास थी, 14 के 14 थे शायद, हाँ 12-14 नहीं मिलाकर 12 या 14 देयर वर 14 केसेस, तो सब में बरी कर दिया गया है। और पंडेर के खिलाफ सिर्फ 2 थी, तो उन दोनों में बरी कर दिया। तो ये मतलब बरी कर दिया कि मतलब कोई सजा नहीं है अब, कोई सजा नहीं है। सेशंस कोर्ट का जो जजमेंट है उसे रिवर्स करके एक्विटेड। अब ये जेल से बाहर आए, कितने केस थे मुनिंदर पंडेर पे, कुल टोटल कितने? टोटल 6 केसेस थे सर, जिसमें से एक तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया था, बाकी 3 में नीचे कोर्ट सेशंस कोर्ट से बरी हो गए थे, बचे 2 में फांसी थी उन पास, हाँ अब उनमें भी हो गए। तो उम्मीद तो यही है कि जल्दी से जल्दी बाहर आएंगे। निठारी कांड कोर्ट की कार्रवाई। विशेष CBI न्यायाधीश रमा जैन ने 13 फरवरी 2009 को सुरेंद्र कोहली और मुनिंदर सिंह पंडेर को फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंडेर को बरी कर दिया, जबकि सुरेंद्र कोहली की सजा बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुरेंद्र कोहली की सजा को बरकरार रखते हुए उसकी अपील को खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश डॉक्टर AK सिंह ने कोहली को निठारी कांड के ही दूसरे मामले में 12 मई 2010 को फांसी की सजा सुनाई। निठारी के तीसरे मामले में CBI कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र कोहली को 28 सितंबर 2010 को फांसी की सजा सुनाई। 2010 के ही दिसंबर माह में CBI कोर्ट ने एक और मामले में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई। 24 दिसंबर 2012 को 5वें मामले में भी सुरेंद्र कोहली को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई गई। 7 अक्टूबर 2016 में ही सुरेंद्र कोहली को निठारी कांड के 6ठे मामले में दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई गई। 16 दिसंबर 2016 में निठारी कांड के 7वें मामले में कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई। 24 जुलाई 2017 सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा पंडेर परी।
7 दिसंबर 2017 सुरेंद्र कोहली एवं मुनिंदर सिंह पंडेर को फांसी की सजा। 2 मार्च 2019 सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा पंडेर भरी। 6 अप्रैल 2019 सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा पंडेर भरी। 15 जनवरी 2021 सुरेंद्र कोहली दोषी करार, मनिंदर पंडेर भरी। निठारी कांड का ऐसे खुला था राज। घरों में साफ सफाई का काम करने वाली महिला 31 अक्टूबर 2006 को सुरेंद्र कोहली ने के बुलाने पर पहुंची थी। इसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला। 24 दिसंबर 2006 को जब खूनी कोठी के पीछे नाले में पुलिस ने 16 मानव खोपड़ियां बरामद की, प्रयोगशाला जांच के बाद पता चला कि उनमें से एक खोपड़ी लापता महिला की भी थी। महिला पहले भी पंडेर की कोठी पर झाड़ू पोंछे का काम करती थी। बाद में प्रेगनेंसी के चलते उसने काम छोड़ दिया था। 29 दिसंबर 2006 को निठारी कांड खुलने के बाद आरोपी कोहली ने कोठी के पीछे गैलरी से भी काफी सामान बरामद किया था। इसमें कपड़े, चप्पल, जूते आदि शामिल थे। इसमें एक साड़ी भी बरामद हुई थी जिसे घटना वाले दिन लापता महिला पहनकर घर से निकली थी। ये साड़ी उसे पास ही के एक दूसरी कोठी में रहने वाली महिला ने पहनने के लिए दी थी। चलिए आपको बताते हैं इस कांड की पूरी कहानी। बात 2006 की है, जब नोएडा के निठारी गांव स्थित कोठी नंबर T5 के बगल में नाले से नरकंकाल मिलना शुरू हुए थे। ये कोठी मुनिंदर सिंह पंडेर की थी। उसके साथ सुरेंद्र कोहली नाम का नौकर रहता था। कोहली पर आरोप है कि वो कोठी पर लड़कियों को लाता था, उनसे रेप करता था, फिर हत्या कर लाश के टुकड़े बाहर फेंकाता था। निठारी गांव की दर्जनों लड़कियां गायब होने के बाद मामले का खुलासा हुआ। 7 मई 2006 को पायल नाम की लड़की लापता हो गई थी। वो मुनिंदर पंडेर की कोठी में रिक्शे से आई थी। उसने रिक्शे वाले को कोठी के बाहर रोका और वापस आकर पैसे देने की बात कही। काफी देर बाद जब वो वापस नहीं लौटी तो रिक्शे वाला पैसे लेने के लिए कोठी का गेट खटखटाया। इस पर उसे सुरेंद्र कोहली ने कहा कि पायल काफी देर पहले जा चुकी है। सुरेंद्र की बात सुन रिक्शे वाले को शक हुआ। उसने कहा कि वो कोठी के सामने ही था, पायल बाहर नहीं निकली। फिर उसने ये बात पायल के घर वालों तक पहुंचा दी। इसके बाद पायल के पिता नंदलाल ने FIR लिखवाई कि उसकी बेटी कोठी से गायब हो गई। इस तरह पहली बार मामला पुलिस तक पहुंचा। इससे पहले निठारी से एक दर्जन से ज्यादा बच्चे लड़कियां गायब हो चुके थे। ऐसे में पुलिस शिद्दत से इस केस की जांच में जुट गई थी। इस बीच पुलिस को जानकारी मिली कि पायल के पास एक मोबाइल फोन था जो घटना के बाद से स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस ने उस नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई तो मुंबई से लेकर तमाम जगहों के नंबर मिले। फिर उन नंबरों की जांच की गई जिसमें अहम सुराग मिले। उसके आधार पर पुलिस ने कोठी पर छापा मारा तो निठारी के नर पिशाच का काला सच सबके सामने आ गया। पुलिस ने जब सुरेंद्र और मुनिंदर से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने पायल की रेप के बाद हत्या कर लाश कोठी के बराबर में नाले में फेंकने की बात कबूल की। इस बीच दोनों की निशानदेही पर दिसंबर 2006 को नोएडा पुलिस ने नाले से बड़ी संख्या में मानव कंकाल बरामद किए थे। बताया गया कि मुनिंदर और सुरेंद्र कोठी पर लड़कियों को किसी बहाने से बुलाते थे और रेप के बाद हत्या कर उनकी लाश काटकर नाले में फेंकते थे। लोगों का यह भी कहना था कि पंडेर की कोठी से मानव अंगों का व्यापार होता था। वो बच्चों को मारकर उनके अंग निकाल लेते थे जिसे विदेशों में बेचा जाता था। इतना ही नहीं, हत्या के बाद अंगों को पकाकर खाने का भी आरोप उन पर लगा है। पुलिस ने मुनिंदर और सुरेंद्र के खिलाफ रेप और हत्या के कुल 19 मामले दर्ज किए। निठारी केस में CBI ने सुरेंद्र कोहली को हत्या, अपहरण, रेप और सबूत मिटाने के केस में आरोपी बनाया था, जबकि मनिंदर को मानव तस्करी का भी आरोपी बनाया गया था। CBI ने 46 गवाहों को पेश करके उनके बयान दर्ज कराए, तो वहीं बचाव पक्ष की तरफ से महज 3 गवाह पेश किए गए। सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड के अल्मोड़ा के एक गांव का रहने वाला है। वो 2000 में दिल्ली आया था। दिल्ली में कोहली एक ब्रिगेडियर के घर पर खाना बनाने का काम करता था। बताते हैं कि वो काफी अच्छा खाना बनाता था। 2003 में सुरेंद्र कोहली मुनिंदर के संपर्क में आया।
उसके कहने पर नोएडा सेक्टर 31 के D5 कोठी में काम करने लगा। फिलसार 2004 में पंडेर का परिवार पंजाब चला गया। इसके बाद वो और कोहली साथ में कोठी में रहने लगे। पंडेर की कोठी में अक्सर कॉल गर्ल्स आया करती थी। इस दौरान वो कोठी की गेट पर नजर रखता था। इस दौरान कोहली धीरे धीरे नेक्रोफिलिया नाम की मानसिक बीमारी से ग्रसित होता गया। बच्चों के प्रति आकर्षित होने लगा। आरोप है कि वो कोठी से गुजरने वाले बच्चों को पकड़कर उनके साथ कुकर्म करता और फिर उनकी हत्या कर देता। हालांकि निठारी गांव के लोगों का कहना है कि पंडेर की कोठी से शरीर के अंगों का व्यापार होता था। उनका कहना है कि वो बच्चों को मारकर उनके अंग निकाल लेते थे और उसे तस्करों को बेचते थे। बाद में कोहली और मुनिंदर को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन अब उनको बरी कर दिया गया है। बचे हुए मामलों में केस जारी रहेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।